नमस्कार, आप देख रहे हैं namoformedia.com। साहब, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आपके उन तमाम दावों की हकीकत बयां कर रही है जिसमें आपको अक्सर शहर शहर और गांव गांव विकास करने का दावा करते हुए देखा व सुना जाता है। आज भी यहां सैकड़ों ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। वह बिजली के खंभों के सहारे नाले को पार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से ना की। बताते चले कि यह गांव झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में आता है। इस गांव का नाम है स्यावरी। ग्रामीणों की माने तो इस गांव में लगभग 300 लोगों की आबादी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव को मूलभूत सुविधाओं से आज तक दूर रखा गया है। गाँव में आने जाने वाले संपर्क की हालत खराब है। गाँव से संपर्क मार्ग तक पहुंचने के लिए उन्हें एक नाला पार करना पड़ता है। इस नाले को वे बिजली के खंभों के सहारे पार करते हैं। इस नाले पर पुलिया बनाने के लिए वे कई बार शिकायत भी कर चुके। इतना ही नहीं, अधिकारियों का घेराव भी किया गया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उनकी कोई भी सुनने वाला नहीं। कड़वे की समस्या है। कब से है ये समस्या? जब से हम तभी आए आए। अच्छा, जब से गैला ही नहीं मिली कड़वे का, कौन जाए? उसके लिए क्या क्या किया आपने? सब कछु करो। मऊ गए, तहसील गए, डॉक्टर भाई भाई कहेगा जो नहीं सुनाई। हमारी पीढ़ी भाई कर गई। जब से नदी में कोई चाया नहीं था, नदी का नदी की पार बार पड़ी, नदी कट गई, कोई वहाँ निकल नहीं पाता। जब निकलने पहुंचे तो हमने अपने बाली बच्चे गांव से आए और नाव से गए। हम मैंने अपना बेड़ा खोद करके छेका करके और रास्ता अपने बेड़े में हम जाते ठीक साहब। जब परेशानी होती, जब किसी लिए होती, किसी के जगह जगह नहीं हैडपम्प, अपना चबूचा खोद के हैडपम्प भी लगवा दिए तो भी इस मोहल्ले की सीन है। इस मोहल्ले में है आदिवासी राउत, जिनका आदिवासी राउत बोला थे, वो सब हैं इसी मोहल्ले। सिर्फ हमारी हैं दो चार बकरी खंगार लोगन की चार पांच बकरी हमारे परिवार भाई की, तो कोई नहीं है इस मोहल्ले में। बाली बच्चा दुखद है। एक लड़का दे गया चौमासे में, तो जाके माँ कम से कम 1 किलोमीटर पकड़ूंगा, है 200 किलो वे पढ़ने जा रही थी। जब पढ़ने में उनका दिक्कत भाई तो यहाँ पर पीछी पर भेजने लगे। जब पीछी पर भेजने में बहुत से हर समस्या आ गई। सरकार ने जो इसे बनवा दो, अब 4-5 साल पहले स्कूल सब छोटे छोटे बच्चा इसे पढ़े, वो कड़वे के लिए समस्या है। सब जैसे कश्मीर था गेहूँ से गंगा जी घेरे, इस प्रकार से इस मोहल्ले का विकास है। कोई भी नुकसान के नहीं है। हम भी हैं, हमारे गाड़ी वाहन आने रिश्तेदार आने, अगर आपको समस्या दिखाएं तो इसे जयता है लड़े, उनका नाक नाक किया जाए। इसमें 300 आदिवासी गरीबों की ये बस्ती है, जो चारों तरफ से ये एक टापू टाइप का बना हुआ है। आजादी के बाद से आज तक इस गांव में आने जाने के लिए कोई रोड की व्यवस्था नहीं। यहां का ग्रामीण आप देख सकते हैं, हमारे पीछे ये बिजली के 2 खंभे पड़े हैं। इन खंभों के सहारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार जो भी इसी से आना जाना है। आज हमको जब ये गाँव में आए, हमने लोगों की बातें सुनी तो हमें बड़ा अचंभा लगा, इसलिए कि कई लोग बता रहे हैं कि इस गांव में मोटरसाइकिल नहीं है आज तक। हमने पूछा क्यों नहीं है, तो कह रहे भाई साहब जब आने जाने के लिए रोड ही नहीं है तो हम लोग मोटरसाइकिल लेके क्या करेंगे। तो ये 70 साल आज़ादी के बाद आज भी ऐसे गांव मिलेंगे आपको देखने के लिए। यहाँ के ग्रामीण कई बार तहसील में जाके ADM का घेराव किया, तहसील प्रशासन का घेराव किया, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते इस गांव के आने जाने के लिए आज तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। यहां का गरीब बदहाल किसान
कई वर्षों से परेशान हैं, इनको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं, सरकारी योजनाओं से ये गांव कोसों दूर है। आज हम लोगों ने यहाँ पंचायत किया है, किसानों की समस्याएं सुनी है। आने वाले समय में यहाँ महीने 15 दिन में अगर यहाँ पुलिया का निर्माण नहीं होता है तो किसान कांग्रेस बृहद आंदोलन छेड़ेगी, जिम्मेदारों का घेराव करेगी, चक्का जाम करेगी, जो बन पड़ेगा करेगी। लेकिन किसान हित में, समाज हित में हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे।